दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के प्रश्न करंट अफेयर के, यानी कि आज है 19 अक्टूबर, जो भी प्रश्न करंट अफेयर के बनना है उनको लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में यह राज्य पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कर्नाटक राज्य को जो है नीति आयोग ने पहला स्थान दिया है। अगला प्रश्न, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में पहले पायदान पर है। अगला प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन के अनुसार भारत में औसत भार से कम बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, ये है 33%। अगला प्रश्न, वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6.1 और 7% तक रहने का अनुमान है? तो दोस्तों, ये जो संस्था है ये है IMF। अगला पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, वह पर्यावरणविद जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, ये हैं चांडी प्रसाद भट्ट, और जो है इनका चिपको आंदोलन में बहुत ही बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, इन्हें दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का लेटेस्ट संस्करण है? तो दोस्तों, जो वज्र प्रहार है वो 10वां संस्करण है भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का। याद रखिएगा, वज्र प्रहार। अगला प्रश्न, चीन और नेपाल के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय बैठक के बाद किए गए समझौतों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, चीन और नेपाल की द्विपक्षीय बैठक के बाद जो है किए गए समझौतों की जो संख्या है वो 20 है। यानी चीन और नेपाल के बीच जो बैठक हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई, तो उसमें 20 समझौते किए गए। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है दोस्तों, वह IPL टीम जो सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल करने वाली पहली IPL टीम बनी है? तो दोस्तों, इस बार सपोर्ट स्टाफ में RCB यानी रॉयल चैलेंजर बंगलोर जो है IPL के सपोर्ट स्टाफ में, RCB के सपोर्ट स्टाफ में महिला को शामिल किया गया है और यह पहली IPL टीम बनी है जिसके सपोर्ट स्टाफ में किसी महिला को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों निकल के आ रहा है, वह राज्य जो निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों, केरल में अब जो है निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा और ये देश का पहला राज्य होगा जो निजी शिक्षण संस्थाओं को मातृत्व अवकाश देगा, केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला है, वह राज्य जहां सिरोही लिली उत्सव 2019 आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, सिरोही लिली उत्सव 2019 आयोजित किया जा रहा है मणिपुर में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन फार्मूला के नियमों का उल्लंघन करने पर कितने रुपए जुर्माने की घोषणा की है? तो दोस्तों, 2000 रुपये जुर्माना पड़ेगा यदि आप ऑड इवन फार्मूले का उल्लंघन करेंगे। हाल ही में जारी 2019 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान रहा है 82वां। दोस्तों, ये अगला एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत ने सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए स्वदेशी किस होबिट्जर तोप को अपनी सेना में शामिल किया है? तो दोस्तों, धनुष एक होबिट्जर तोप है जिसे अपनी सेना में शामिल किया है। तो भारत की ने सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए धनुष होबिट्जर तोप को अपनी सेना में शामिल किया है। याद रखिएगा, धनुष। अब दोस्तों, ये करंट अफेयर थे। अब आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न है, ICC बोर्ड ने बोर्ड की बैठक के बाद जिम्बाब्वे और किस देश को अपने सदस्य के रूप में फिर से शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ICC ने जिम्बाब्वे को भी शामिल कर लिया है, साथ ही साथ एक नए देश को शामिल किया गया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए हांगकांग, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान या डी नेपाल।
आईसीसी ने बोर्ड की बैठक के बाद जिम्बाब्वे और किस देश को अपने सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है, ए हांगकांग, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान या डी नेपाल। अब दोस्तों, कल मैंने पूछा था बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका उत्तर है बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर और कल के उत्तर। आज का प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगस्त का करंट अफेयर बुक लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप फ्री में बुक भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।